हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल थिगर शर्मा जी। आज के वीडियो में हम करेंगे वर्चुअल मशीन को हैक, जिसका नाम है मेटास्प्लॉइटेबल। ये वर्चुअल मशीन एक बिगनर फ्रेंडली वर्चुअल मशीन है, यानी कि आपको आसानी होगी इसको हैक करने में। पर उसी के साथ साथ अगर आप ये वीडियो को पूरा देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे एक मशीन को रूट करा जाता है, लिनक्स मशीन को, और उसकी प्रिविलेज को कैसे एस्केलेट करा जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं करा हो तो, अगर आप नए यूज़र हो तो, और बेल आइकन को प्रेस करें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है, हम सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करते हैं। ओके, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस फायरफॉक्स। ठीक है, आप इस पे सर्च करेंगे मेटास्प्लॉइटेबल वल्नरेबल हब। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ठीक है, आप इसको डाउनलोड मिरर पे भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं जिप फाइल, या फिर टॉरेंट पे भी कर सकते हैं। और जैसे हम इसको जिप करके अनजिप करेंगे और फिर उसके बाद आप ओरेकल बॉक्स में उसको इंपोर्ट करा लोगे और फिर उसके बाद उसको रन कर लेना, राइट, जैसे हम हर बारी करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक और टर्मिनल विंडो खोलते हैं और जो हर बार की तरह हम स्टेप करते हैं, नेट डिस्कवर, जो कि एक यूटिलिटी है जो आपको बताएगी कि सेम नेटवर्क पे कौन कौन से डिवाइसेज हैं, उनके आईपी क्या है। ठीक है, तो ये पीसीएस सिस्टम टेक्निक वाला मिल गया हमें, आईपी मिल गई है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, क्लियर। हर बार की तरह हम करते हैं एन मैप रन हाइफन T4 ताकि थोड़ा सा तेज रन हो, या बल्कि T5 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइफन पी हाइफन मतलब सारे पोर्ट पर करें, कंट्रोल शिफ्ट वी ताकि आईपी एड्रेस मिल जाए, डबल वर्बोस, और उसको कर देते रन। तो इसने काफ़ी सारे पोर्ट्स डिस्कवर कर लिए, क्योंकि बिगनर फ्रेंडली मशीन है तो इसमें काफ़ी सारे पोर्ट्स मिलना ये तो तय है ही। उम्मीद है जल्दी हो जाएगा ये ख़त्म। यस, हो गया। तो अब हम करेंगे रिजल्ट्स को एनालाइज। तो पोर्ट शुरू होते हैं यहाँ से, 21 ओपन है FTP, इसमें वर्जन है प्रो FTPD 1.3.1, इसको हम बाद में देख सकते हैं, पहले सारे पोर्ट्स को देखते हैं कौन कौन से ओपन है। 22 पे SSH है, ओके, इसका वर्जन 4.7 है। 23 पे टेलनेट है, ओके। 25 पे SMTP, ये जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स होते हैं। 53 ओपन है, DNS के लिए होता है, ओके। 80 ओपन है, ओके, इंटरेस्टिंग, क्योंकि 80 पे Apache HTTPD रन हो रहा है, तो ये कोई वेब एप्लीकेशन हो सकती है, इसको देखेंगे हम। 139 पे सांबा है, 445 पे सांबा 3.0.2.20, 3306 पे MySQL, ठीक है, 3632 पे कुछ रन हो रहा है डिस्ट CCD, 5432 पे पोस्ट GRESQL, ओके, 8009 पे AJP यानी कि अपाचे JServe प्रोटोकॉल, 8180 पे अपाचे Tomcat। तो ये सारे हैं पोर्ट्स और उनकी सर्विसेज। तो क्योंकि हमें प्रो FTPD मिला है ऑन पोर्ट 21, सो वी कैन डू वन थिंग, हम क्या करेंगे, इसको सर्च एक्सप्लॉइट यूटिलिटी से देखते हैं कि क्या इसका कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है प्रो FTPD 1.3.1। ओके, नो रिजल्ट्स, तो प्रो FTPD ही देके देखते हैं। अच्छा, तभी तो प्रो FTPD तो अवेलेबल है, लेकिन प्रो FTPD के 1.3.1 अवेलेबल नहीं है। ओके, तो और एक बार देखते हैं, इसमें SSH कोई काम का नहीं हमारे 23 कुछ ज़्यादा काम का नहीं। 80 क्योंकि सिंस ओपन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ब्राउज़र पे खोल के देख सकते हैं। तो IP एड्रेस हमारे पास है ही, तो ये तो खाली इट वर्क्स दिखा रहा है, दैट मीन्स कोई एप्लीकेशन कुछ रनिंग नहीं हो रहा। तो एक काम कर सकते हैं हम, क्योंकि सिंस 80 ओपन है तो हम इस पर चला सकते हैं Nicto-H कंट्रोल शिफ्ट वी, यानी कि IP, ओके। तो इसने भी कुछ कुछ चीज़ें दिखानी शुरू कर दी। अपाचे 2.2.8 है, सर्वर में लीक आई नोट्स वाया ETAGS, कुछ खास नहीं। एंटी क्लिक जैकिंग है, लेकिन हमारे लिए कुछ खास करनी, क्योंकि हमें चाहिए कि इनिशियल लेवल ऑफ एक्सेस मिले, या फिर हो सकता है अगर हम लकी रहें तो रूट एक्सेस ही मिल जाए।
लेकिन ऐसी वनरेबिलिटी हमें ढूंढनी पड़ेगी, राइट। तो अपाचे 2.2.8 है, अपाचे मॉड नेगोशिएशन इनेबल्ड है, ओके, HTTP ट्रेस, ये जो OSBDB वाली होती है थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, देखना चाहिए इसको हमें। HTTP ट्रेस कुछ खास नहीं, PHP इज़ इंस्टॉल्ड, आइकन्स डायरेक्टरी मिली है, कोई ख़ास नहीं। ये इंटरेस्टिंग है, ये देखो टिकी विकी टिकी हाइफन ग्राफ अंडरस्कोर फॉर्मूला, ये वनरेबिलिटी अलाउ करती है रिमोट अटैकर्स टू एग्जीक्यूट आर्बिट्री PHP कोड। आर्बिट्री PHP कोड यानी कि PHP कोड कोई रिमोटली अटैक कर सकता है, मतलब इंजेक्ट कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। टिकी विकी, ओके, तो ये हमारे काम की हो सकती है। चलो इसको देखते हैं, MSF एक्सप्लॉइट, MSF कंसोल, मेटास्प्लॉइट में देखते हैं। मेटास्प्लॉइट में अगर ये टिकी विकी का मिलता है तो हमारे लिए अच्छा होगा, अगर नहीं मिलता तो फिर मैं कोई और पोर्ट टेस्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जनरली मेटास्प्लॉइट में सारे एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल होते ही हैं, तो इसमें करते हैं हम सर्च टिकी विकी, ओ सॉरी सर्च का सिंटेक्स गलत हो गया। ओके, तो यहाँ पे करीब 5 एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं जिसमें एक एक्सप्लॉइट नहीं है, एक ऑक्सिलरी मॉड्यूल है। ऑक्सिलरी मॉड्यूल जनरली स्कैन करने के लिए होते हैं। तो अगर हम आपने ध्यान से देखा होगा कि उसमें दिखा रहा था टिकी विकी ग्राफ फॉर्मूला एग्जैक्ट, तो हम ये यूज़ करके देख सकते हैं। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको करते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट सी भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इन्फो देखें पहले कहीं काम का है भी या नहीं, तो इन्फो देखते हैं। टिकी विकी लेस देन 1.9.8 कंटेन्स अ फ्लॉ दैट मे अलाउ रिमोट अटैकर टू एग्जीक्यूट आर्बिट्री PHP कोड, ओके, प्रॉपरली सैनिटाइजिंग यूजर इनपुट नॉट विच मे अलाउ रिमोट अटैकर, ठीक है, लग तो रहा है काम का है। तो एक बारी क्या करते हैं हम इसको यूज़ करके देखते हैं। ऑप्शंस सेट आर पोर्ट, ठीक है, जो हमारी मशीन है जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी, IP चाहिए हमें, बाकी नहीं चाहिए, ओ सॉरी आर पोर्ट है, ये आर पोर्ट हमारा 80, सेट आर होस्ट, कंट्रोल शिफ्ट वी, आर होस्ट में हमारा IP आ जाएगा, ठीक है। शो पेलोड्स ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से पेलोड्स कंपैटिबल हैं, क्योंकि ये PHP एप्लीकेशन है तो हम रिवर्स TCP ले लेते हैं, मेटाप्रेटर ही हमेशा हमारे लिए बहुत काम आता है। तो सेट PHP मेटाप्रेटर रिवर्स, ओके, तो ये टैब इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि सेट के बाद पेलोड भी लिखना होता है। मैं तभी सोच रहा कि ये क्यों ऑटोमेटिकली नहीं पिक कर रहा टैब दबाने के बाद, अब कर लेगा, राइट, ओके। ऑप्शंस आर होस्ट है ही, आर पोर्ट है ही, ठीक है। एक्सप्लॉइट यस, सो वी गॉट वन ऑफ द मेटाप्रेटर सेशन, यस। तो इसको मैं करता हूँ शेल कमांड और चेक करता हूँ कि मेरे पास कौन से यूज़र की एक्सेस मिली है, हु एम आई, ओके, सो www-data की मिली है। ID में देखता हूँ, ओके, तो ये रूट यूज़र तो नहीं है क्योंकि ID आपको पता है रूट यूज़र की GID 0 होती, UID 0 होती, तो रूट यूज़र तो नहीं है, बट हमें एक लेवल ऑफ एक्सेस मिल गया है, फर्स्ट लेवल ऑफ एक्सेस। तो अब हमें क्या करना है, हमें प्रिविलेजेस को एस्केलेट करना है। तो uname-a, इससे हमें मिला है वर्जन लिनक्स 2.6.24, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और टर्मिनल विंडो खोल लेता हूँ, सर्च स्प्लॉइट -w लिनक्स 2.6, देखते हैं कि इसके एक्सप्लॉइट हैं जो इस कर्नल के, लिनक्स कर्नल के स्पेसिफिक 2.6.24 समथिंग था। हाँ जी, बहुत सारे अवेलेबल दिखा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं इसमें हमारा कोई काम आएगा नहीं आएगा। तो मैं सबसे ऊपर जाता हूँ, ये सारे तो हमारे काम के नहीं हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है लिनक्स 2.6.30, ये भी हमारे काम का नहीं है, 2.4, 2.6.0, नहीं नहीं
हमारा है 2.6.24 या फिर 2.6 से शुरू हो। यस, यहाँ से हमारे सारे एक्सप्लॉइट्स काम के लग रहे हैं। देखो तो ये पहला किस किस के लिए एप्लीकेबल है, डेबियन के लिए है, उबंटू के लिए है, जेन 2, ठीक है, तो हमारा एक डेबियन है और यू डेव पे काम कर रहा है, यू डेव को एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक है। लोकल प्रिविलेजेस, प्रिविलेज एस्केलेशन है ये, इसको पूरा इसमें दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको एक बारी मेटास्प्लॉइट में देखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ चैनल को टर्मिनेट, मेटाप्रेटर सेशन को करता हूँ बैकग्राउंड, सो दैट ये बैकग्राउंड में रन करता रहे, ठीक है। सर्च करता हूँ मैं यू डेव, यस, तो ये यू डेव का एक्सप्लॉइट यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, यूज़, और इसको मैं एक बारी कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल पेस्ट, ठीक है, ऑप्शंस। तो इसमें क्या क्या रिक्वायर है, इसमें नेट लिंक की प्रोसेस आईडी रिक्वायर्ड है, वैसे ये नो दिखा रहा है बट अच्छा, यूजुअली यू डेव पी आई डी इज़ 1, अच्छा, सेशन, यस, सेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें सेट, इसमें एक बारी सेशंस देखता हूँ सबसे पहले, तो सेशंस हाइफन आए, तो हमारा सेशन एक रन हो रहा है जो हमने बैकग्राउंड करा था मेटाप्रेटर का, ठीक है। तो मैं इसमें करता हूँ सेट सेशन 1, ठीक है, इसको करने की कोशिश करता हूँ एक्सप्लॉइट। ओके, वेरी गुड, मेटाप्रेटर सेशन 2 ओपन हो चुका है, ऑप्शंस, ओ सॉरी, मेटाप्रेटर है तो शेल, हु एम आई, रूट आईडी, यू आई डी रूट, जी आई डी रूट। तो हमने कर दिया इस वर्चुअल मशीन को सक्सेसफुली रूट, और हैक कर दिया है इसको, और हमें मिल गए हैं रूट प्रिविलेजेस। तो उम्मीद है वीडियो आपको आया होगा, आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगले वीडियो में हम करेंगे किसी और वर्चुअल मशीन को हैक, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, बाय बाय।